जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। आज से मुराद जुमे वाले दिन की बात हो रही है। देखिए, गुज़िश्ता दो दिन से जो है वो जुमे और जुमेरात की बात कर रहे हैं कि मार्केट में बेहतरी के आसार। जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने, एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई 1000 पॉइंट्स जो है वो प्लस के अंदर मार्केट क्लोज होने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी तरफ से हमारे दोस्तों को जो हमारी जो एक राय थी जिसका इजहार हमने किया वो यही था जुमे वाले दिन भी और जुमे रात वाले दिन भी कि जहां पर आपको मौका मिले आप सेल कीजिए, नई बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी भी हम अपनी इस बात पर कायम हैं और मंडे वाले दिन जो है वो हमारी तरफ से कोई नई बाइंग जो है वो हम सुजेस्ट नहीं कर रहे, शायद कोई एकाध, वो भी ना होने के बराबर ही होगी। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि मार्केट जो है इसने आज जो है वो हम थोड़ा इसी पर थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ ग्राफ वगैरह हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट हाई बनाती है 43,554 का, 43,500 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो मार्केट क्रॉस करती है, लेकिन वहाँ पर मार्केट स्टेबल नहीं हो पाती। इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह ये है कि 30 रुपये पेट्रोल तो हमने बढ़ाया, आईएमएफ को वहाँ से पैसा लेने के लिए, आईएमएफ के मामलात को तय करने के लिए हमने ये शर्त जो है उनकी कड़वी गोली जो है वो हमने निगली। अब इसके पेश नज़र मुस्बत असर क्या होगा? मुस्बत असर तो ये होगा कि हमें वहाँ से जो किस्त है वो मिल जाएगी, जो कि तकरीबन कोई 90 करोड़ डॉलर की है। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस मुल्क के अंदर जहाँ पर आपने एकदम से 30 रुपये जो है वो आपने पेट्रोल बढ़ाया है, और इसकी मद में जो आपके तमाम के तमाम जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो बंदा रेडी लगाता है या उसकी टेक्सटाइल मिल है, इन सब के जो बिजनेसेस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अखराजात हैं, उनमें कितना इजाफा होगा? अब ये इजाफा ऐसा होने जा रहा है कि जिसका प्रेशर हमें आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर नजर आएगा। मुस्बत पहलू ये था जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गई कि जी हमने जो सब्सिडी है पेट्रोल के ऊपर वो हमने ख़त्म कर दी है, लिहाजा अब हमारे अगले मामलात जो आईएमएफ के साथ हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, फाइन। लेकिन अब इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपने फिर देखा कि मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट प्लस होते होते 300 पे जाके रुकी। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने 600 पॉइंट्स खा लिए। अब ये जो मार्केट का 600 पॉइंट्स खाना है, ये आने वाले दिनों में मुझे मजीद प्रेशर क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा अभी जो सूरत हाल है मार्केट की, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये ज़ाती ख्याल है कि मार्केट आने वाले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर दिखाएगी। लिहाजा शॉर्ट सेलर्स तैयार हो जाएं, कोई पोजीशन ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है। हम तो बहरहाल शॉर्ट सेल जो है वो रिकमेंड नहीं करते, लेकिन हम फिलहाल बाय जो है वो कुछ रिकमेंड नहीं कर रहे। काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जो कि इस वक्त भी जिनको देखा जा सकता है इन बुरे हालात के अंदर भी, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अभी मार्केट को देखा जाए कि मंडे वाले दिन ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठता है। अल्लाह हाफिज़।